हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रीजनिंग से संबंधित रक्त संबंध मीन्स ब्लड रिलेशन, जो कि किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं। तो चलिए, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई बड़ा है, बड़ा की बात हो रहा है, कोई हमसे बड़े होते हैं तो डायरेक्शन इस तरह से फॉलो करेंगे। अगर कोई हमसे छोटा का फॉलो करेंगे तो इस तरह का, अगर भाई बहन या फिर पति पत्नी का यूज़ करेंगे तो इस तरह के डायरेक्शन का हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता की पुत्री की पत्नी है। मेरा ना तो कोई भाई है और ना कोई बहन, अतः वह व्यक्ति मेरा कौन है। इस तरह से आपको चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला है भतीजा, बी है चचेरा भाई, सी है पुत्र और डी है भाई। तो इस प्रकार से दिए होते हैं। तो हम चार्ट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा, कौन कहता है? सुधीर नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कहा किसी व्यक्ति, इस तरह से हम लोग कोई व्यक्ति है। तो इसकी माँ मीन्स इस व्यक्ति की माँ है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता इस तरह से जाएंगे ऊपर में क्योंकि हमसे बड़ा है, पिता के पुत्र की पत्नी है मीन्स यहाँ पे फिर आ गए हैं क्योंकि हम पिता के पुत्र की पत्नी है, तो ये हमारा पुत्र हो जाएगा। तो और इसको दिखा रहे हैं ये जो पर्सन है वो हम क्या है, पत्नी है। तो यहाँ और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। तो मेरा ना तो कोई भाई है, अब सुधीर कहता है कि ना तो मेरा कोई भाई है और ना कोई बहन है, तो अतः वह व्यक्ति मेरा कौन है। तो ये 100% श्योर हो गए कि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब ये उसकी बेटा है, वो उसकी क्या है, ये यहाँ पे बेटी या बेटा होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता वह व्यक्ति मेरा कौन है। तो सुधीर का इस पर्सन से क्या रिलेशन है, या तो फिर बेटी हो सकता है या फिर बेटा हो सकता है। तो क्वेश्चन में बेटी बेटा तो दिया नहीं है, लेकिन पुत्री भी नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन में पुत्र हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा कर कहता है, एक व्यक्ति जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। हम लोग रीड करते हैं और डिज़ाइन भी करते जाते हैं। तो एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा कर कहता है, एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पे कोई तस्वीर है, राइट। तो यह मेरा पिता के बड़े भाई की पोती है। मेरे पिता, यहाँ पे इस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पिता, पिता के बड़े भाई। पिता के बड़े भाई मीन्स इसका पिता का बड़ा भाई, मतलब इसका भैया हो जाएंगे। और बड़े भाई की पोती है मीन्स यहाँ पे इसको अगर पोती से इंडिकेट करना होगा तो सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, इसका पुत्र होना चाहिए, और पुत्र का ये हमारा बेटी या बेटा होना चाहिए, तब तो ये, हाँ बेटी होना चाहिए, तब तो ये पोती होगा। तो वह फोटो उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, तो वह फोटो मीन्स व्यक्ति से यहाँ पे निकालना होगा आपको, व्यक्ति से फोटो का संबंध। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पिता का भैया को क्या बोलोगे, या तो बड़े पापा बोला जाता है या तो फिर अंकल। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो उसका बेटा क्या हो जाएगा, हमारा भाई हो जाएगा, यहाँ से भाई हो जाएगा। अगर भाई का अगर बेटा को देखें, उसकी बेटी को देखें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भतीजा निकल जाएगा, भतीजा भतीजी। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, अगर पोती है लड़की है तो ये हमारा भतीजी निकल जाएगा, राइट। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें का करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक लड़की एक लड़के का परिचय कराते हुए कहती है, यहाँ पे क्या चीज़ है, लड़की लड़की और यहाँ पे लड़का है, राइट।
परिचय कराते हुए कहती है, राइट, कहती है कि वह मेरे मामा के पिता, वह मेरे मामा, वह मेरे मामा के पिता, यहाँ पे पिता, मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। तो पुत्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पुत्र होगा, इसकी पुत्री होगा, और इसकी पुत्री का ये क्या है, पुत्र है, राइट, इस तरह से पुत्र हो जाएगा। आप आगे देखते हैं, तो वह लड़का, तो वह लड़का उस लड़की का कौन है। तो यहाँ पे अगर ये उसकी मामा हो गया तो ये क्या हो गया, आपस में ये लोग भाई बहन हो गए। तो अगर ये भाई बहन है तो ये पुत्री का लड़की हो जाएगी, मीन्स ये पुत्री हो जाएगी इस लड़ इस इसके लिए पुत्री हो जाएगी, और ये तो पिता के लिए पुत्री है तो ये पुत्री हो जाएगी, और इसके लिए तो पुत्र है, तो आपस में दोनों क्या है, भाई बहन है। तो इस तरह से ऑप्शन में देखते हैं तो क्या चीज़ हमारा भाई निकल जाएगा, लड़की का कौन है, तो लड़की का क्या है, भैया होंगे या भाई होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहला है भाई, पिता, पुत्र और चाचा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई। इस तरह से ऑप्शन निकाल सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, वह महिला उस आदमी से कैसा संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दादी, फिर माँ, फिर तीसरा ऑप्शन बहन, और चौथा ऑप्शन चाची। तो हम लोग चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, तो हमारा इधर महिला कहती है, तो इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, और आदमी का परिचय देते हुए कहती है, उसके भाई, इसके भाई मीन्स यहाँ पे भाई का हो गया, भाई का पिता, यहाँ पे भाई का पिता, भाई का पिता मेरे, अब महिला कहती है कि मेरे दादा के, यहाँ पे मेरे दादा के एकलौते पुत्र हैं, मीन्स ये हम क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, एकलौते पुत्र हो जाता है ये। तो ये आपस में क्या इंडिकेट करता है, ये भी इसका पुत्र हो जाएगा, और इसका अगर दोनों आपस में भाई हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर महिला, तो वह महिला उस आदमी से कैसा संबंधित है, तो ये उसकी दादा होता है, और उस दादा के पिता के पुत्री को क्या बोलेगा, ये इसको भी पुत्री कह सकता है ये। तो ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गए। तो वह महिला उस आदमी से, तो उस आदमी से पूछा है, इसलिए इस तरह से डायरेक्शन जाएगा। तो आदमी से क्या संबंध है, ये बहन का संबंध है, ये बहन का संबंध है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा रहता महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो यहाँ पे भाई का ऑप्शन आ जाता। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, एक महिला एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, तो महिला ले रख लेते हैं यहाँ पे, महिला और एक व्यक्ति, तो यहाँ पे व्यक्ति रख लिया हम लोग, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता का एकमात्र दामाद है, मीन्स महिला का ये पिता हो गया, और पिता का एकमात्र दामाद है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, अगर ये उसकी पुत्री है तो उसका पत्नी होगा, पति पत्नी होंगे ये लोग, पति पत्नी होंगे। अब रिलेशन में देखते हैं, तो वह महिला उस व्यक्ति से, व्यक्ति से, व्यक्ति से इस तरह से आएगा, तो व्यक्ति से कैसा संबंधित है, व्यक्ति का क्या होगा, ये पत्नी होगा, यस, ये हमारा पत्नी हो गई। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला है पुत्र, पत्नी, बहन, मौसी, तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, तो फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अगले वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।